रंग बिरंगे फ्रॉक के पेड़ वाला तालाब। आरती नाम की एक लड़की अकेली ही अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। आरती अपने घर के बाहर कुछ सब्जी के पौधे लगा रखे थी और उन सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन आरती अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से पड़ोस वाली औरत गुजर रही थी। तभी आरती को देखकर वो अपने मन में सोचती है, आज मेरे घर पर इतने सारे काम हैं और अनाज की बोरी भी बाहर रखी है। मेरी बेटी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है, इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ। वैसे भी ये बहुत बेवकूफ है, काम करने से मना नहीं करती है। इतना सोचकर वो औरत आरती के घर के अंदर जाती है और आरती से बोलती है, आरती बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं काकी, बस घर की सफाई कर रही हूँ। बेटी दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाज की कुछ बोरियाँ रखी हुई है, तो तू मेरी अनाज की बोरी उठाकर घर के अंदर रख दे। ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ, उसके बाद आपका काम कर दूंगी। इस तरह वो औरत आरती से झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेती है। गांव का हर व्यक्ति आरती के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे काम करवाता था। थोड़ी देर बाद आरती उस औरत के घर जाती है और सारी बोरियां उठाकर घर के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, तभी एक दिन आरती बाजार से घर का सामान लेकर आ रही थी। उसी के गांव का एक 8 साल का लड़का उसे देखकर सोचता है, लगता है आरती दीदी अपने घर जा रही है, मेरे स्कूल भी उनके घर के पास ही है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गिर जाने का नाटक करता हूँ, उसके बाद ये मुझे रिक्शे में स्कूल तक छोड़ देंगी और मैं अपने पैसे बचाकर उस पैसे का आइसक्रीम खाऊंगा। वो लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, गिरने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो। उस लड़के को रोता देख आरती उसके पास आती है। क्या हुआ छोटू? दीदी, मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया, मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। आज मेरे स्कूल में एग्जाम है, इसलिए मेरे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्कूल तक कैसे जाऊँ। छोटू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगी और तुम पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दे दूंगी। आरती उस लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। आरती के जाने के बाद वो लड़का सोचता है, इसके जैसा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कोई भी इससे अपना काम निकलवा लेता है। आरती की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे। आरती सबकी भलाई करती थी, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसका हालचाल तक नहीं पूछता था। सबकी मदद करने की वजह से आरती को खुद की सब्जी का खेती करने का समय ही नहीं मिलता था। यही सब आरती अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। अरे, मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया, कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा। वैसे भी बारिश होने वाली है और मैं जल्दी अपना काम शुरू नहीं की तो बारिश में मेरी खेती की तहस नहस हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी। कल चाहे कुछ भी हो, मैं अपना काम शुरू करूंगी। ये सब सोचकर आरती सो जाती है। अगले दिन आरती सोकर उठी भी नहीं थी, उससे पहले ही बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती उठती है और बारिश होते देखती है। ये सब देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है। अरे, आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है, आज भी मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। इतनी तेज से बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। ये सब देखकर आरती बिल्कुल उदास हो जाती है। कई दिनों तक ऐसी ही बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से आरती की छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो आरती घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसके सब्जी के पौधे बारिश की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। ये सब देखकर आरती बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। सब कुछ ठीक होने में तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। घर का राशन भी खत्म होने वाला है, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं।
ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और आरती को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है। जब तक पड़ोस वाली काकी से राशन के लिए कुछ पैसे मांग लेती हूँ, मेरे पास जब होगा तो उन्हें वापस कर दूंगी। ये सब सोचकर आरती पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और बोलती है, काकी आपको तो पता है ना, बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और घर में खाने को राशन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। बेटी, मेरे पास जो पैसे थे उसे मैं किसी जरूरत काम में लगा दी हूँ और बाकी के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही है बैंक कितना दूर है और मेरी तबीयत भी खराब है, तो मैं बैंक जा नहीं सकती, इसलिए तुम किसी और से जाकर ले लो, मेरे पास अभी नहीं है। आरती वहाँ से आ जाती है। उसके बाद आरती उस औरत के पास जाती है जिसने अनाज की बोरियाँ उठाई थी। आरती उस औरत से पैसे के लिए कहती है और वो औरत बोलती है, आरती बेटा, मेरे हाथों में तो पैसे रुकते ही नहीं हैं। पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पति ही रखते हैं। तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ी ना है। बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह हर कोई आरती को मदद करने से मना कर देते हैं। उदास होकर आरती एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं भी तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी ने मेरी जरा सा भी मदद नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तभी आरती की नज़र तालाब के बीचों बीच पड़ती है। तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदार रोशनी आ रही थी। तभी आरती बोलती है, तालाब के बीचों बीच से ये कैसी रोशनी आ रही है। तभी तालाब बोल पड़ती है, आरती बेटा, ये आवाज तालाब से आ रही है क्या? तालाब बोलती भी है क्या? हाँ आरती, अगर चमत्कारी तालाब हो तो वो बोलती भी है। तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आरती तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेड़ पर लगे हुए रंग बिरंगी फ्रॉक नजर आते हैं। ये सब देख आरती चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है, ये सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आरती, ये रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है, मैं तुम्हें इन रंग बिरंगी फ्रॉक में से एक फ्रॉक दे रही हूँ, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इसके बाद आरती के हाथों में रंग बिरंगी फ्रॉक आ जाती है और आरती बोलती है, धन्यवाद तालाब, वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी परेशानी दूर कर दी। उसके बाद आरती तालाब में से बाहर निकलती है। आरती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, तभी वो देखती है कि एक गरीब बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठकर रो रही है। आरती उस गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी के लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी की शादी में पहनने के लिए एक कपड़े तक नहीं दे सकती हूँ। अगर ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी गरीब लड़के से हो, क्योंकि पहले ही वो बहुत गरीबी सह चुकी है। आरती को उस गरीब बूढ़ी अम्मा पर बहुत तरस आता है और वो अपना रंग बिरंगा फ्रॉक बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, आप ये फ्रॉक ले लो, आप इस फ्रॉक से जो चाहो मांग सकती हो, इससे आपकी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। शुक्रिया बेटी, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर आरती भी अपने घर आती है। घर आते ही आरती देखती है कि उसके बेड पर एक सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे, इसे तो मैंने तालाब में पेड़ पर लगे हुए देखा था। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, हाँ मैं वही हूँ, तुमने उस गरीब बूढ़ी अम्मा की मदद की, इसलिए वो चमत्कारी तालाब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया है। ये जानकर आरती बहुत खुश होती है। आरती उस रंग बिरंगी फ्रॉक से बहुत सारे पैसे लेती है और बहुत बड़ी जमीन खरीदती है और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाती है।
अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करवाऊंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इससे उन्हें रोजगार मिल जाएगा और उनकी गरीबी दूर होगी और स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगी। आरती गांव के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती खुशी खुशी रहने लगती है। तभी शहर से एक अमीर लड़का गांव आता है। उसी वक्त आरती गांव के गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट रही थी। आरती को देखकर वो लड़का सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। शहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती है, अपने बारे में सोचती है बस, और लड़कों से झूठा प्यार जताकर पैसे लूटती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी जो अमीर होने के बाद भी बिल्कुल घमंडी नहीं है, और ये तो लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे इससे बात करनी चाहिए। उसके बाद सुमित आरती के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते हैं। हम दोनों काफी देर से बातें कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी गांव के बारे में जानना था मैं आपको बता दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। हम एक दूसरे से इतनी देर तक बात की और अब तो हम दोस्त बन गए हैं, क्या मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? आरती अपना फोन नंबर सुमित को दे देती है। उसके बाद से दोनों फोन पर भी लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ महीने बाद सुमित आरती के पास आकर अपने प्यार का इजहार करता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? आरती, उन्हें मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ और उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो, और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से शादी करेंगे। अगले महीने आरती और सुमित की शादी हो जाती है। आरती अपने खेतों में लगी फसलों की वजह से सुमित के साथ शहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए सुमित ही आरती के साथ गांव में रहने लग जाता है। इस तरह सुमित और आरती दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। बादलों में जादुई सोने चांदी के फ्रॉक का घर। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में सनाया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु परी रहती थी। सनाया परी को लोगों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक पर कनिका नाम की एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। वह लोगों पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी। उससे हर कोई खौफ खाता था। एक बार कनिका जादूगरनी ने सोचा, बहुत हो गया, मैं अब इंसानों को परेशान कर कर के बोर हो चुकी हूँ। अब क्यों ना मैं आसमान में जाकर थोड़ा परीलोक में अपनी तबाही मचाऊं? यह सोचकर कनिका जादूगरनी हवा में उड़ते हुए परीलोक में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है। वहां उसे उस बगीचे में सोने और चांदी से बने दो जादुई फ्रॉक का घर दिखाई देता है। अरे, ये परीलोक तो बहुत ही ज्यादा विचित्र है, फ्रॉक का ये सोने चांदी का इतना सुंदर घर, मैंने तो ऐसा घर आज तक नहीं देखा है। जादूगरनी ये सोच ही रही थी, तभी सोने के बने घर में से सोने की तरह चमकने वाली सनाया परी निकलकर बाहर आती है और चांदी के बने सेब घर से एक सफेद हाथी निकलकर बाहर आता है। फिर सनाया परी उस सफेद हाथी के पीठ पर सवार हो जाती है और हवा में उड़ते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और फिर अपनी जादुई छड़ी की मदद से गांव वालों के लिए ढेर सारे पैसों की बारिश करने लगती है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और सनाया परी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनिका जादूगरनी अपनी आंखों के सामने ये सारा नजारा होते हुए देख रही थी। अरे वाह, यह परी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे जल्दी ही इस परी को मारकर इसके सारी जादुई शक्तियाँ छीननी होगी। उसके बाद मैं इस परी के द्वारा बनाए हुए दोनों जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक घर पर अपना कब्जा कर लूंगी। यह सोचकर जादूगरनी कनिका परी का पीछा करती है
और जब परी अपना काम खत्म करके अपने परीलोक की तरफ वापस जा रही थी, तभी वह सनाया परी पर पीछे से वार करके उससे उसकी जादुई छड़ी छीन लेती है। अरे नहीं, तुम कौन हो और तुमने मुझसे मेरी जादुई छड़ी क्यों छीन ली? लाओ जल्दी से मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। खामोश हो जा परी, यह जादुई छड़ी मेरी हो गई है और अब यह छड़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। देखो तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। मैं इस छड़ी की सहायता से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, लाओ मुझे मेरी छड़ी वापस दो। तुमने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी लौटा दूंगी? मूर्ख परी, अब तो बस तू देखती जा कैसे मैं तेरी इस जादुई छड़ी से और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी, और फिर मैं अपने साथ तेरे बनाए ये सोने और चांदी के फ्रॉक के घर को पृथ्वी पर लेकर जाऊंगी और मजे से वहीं पर रहूंगी। इतना बोलकर वह जादूगरनी जादुई फ्रॉक के घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह जादुई फ्रॉक के घर को हाथ लगाती है, उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। ओह, अरे रे, मर गई रे, ये बिजली का झटका मुझे क्यों लग रहा है? ओह, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। ओह, तभी अचानक से दोनों जादुई घरों में से बहुत सारे बंदर निकलकर जादूगरनी की खूब पिटाई करने लगते हैं। यह देखकर जादूगरनी घबरा जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, ये अचानक यहाँ इतने सारे दुष्ट बंदर कहाँ से आ गए? अरे अरे कोई रोको इसे, छोड़ो छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से। दुष्ट जादूगरनी, तू चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक का घर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला है। बंदर जादूगरनी से परी की जादुई छड़ी छीन कर परी को दे देता है। तभी सारे बंदर मिलकर उस जादूगरनी को हवा में जोर से उछालकर पृथ्वी पर फेंक देता है। जादूगरनी हवा में उड़ते हुए जंगल में जाकर गिरती है। आह, उइ माँ, मर गई रे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस परी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मारकर उसके जादुई दोनों फ्रॉक के घरों को अपने कब्जे में करके ही रहूंगी। इतना सोचकर वह जादूगरनी शैतानपुर में रहने वाली चुड़ैल सकीरा के पास मदद मांगने चली जाती है। चुड़ैल जी, मेरी मदद करो, परीलोक में एक बहुत ही शक्तिशाली सुनहरी परी रहती है। उसके पास दो जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक का घर है। मैं उन दोनों घरों को पृथ्वी पर लाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो एक जादुई फ्रॉक का घर मैं तुम्हें दे दूंगी। चुड़ैल जादूगरनी की बात को मान जाती है और अपने जादुई झाड़ू पर सवार होकर परीलोक पहुँच जाती है। उन दोनों को अपने लोक में देखकर सनाया परी का चेहरा गुस्से से और ज्यादा लाल हो जाता है। इस जादूगरनी की इतनी हिम्मत कि इतना मार खाने के बाद भी ये नहीं सुधरी, और आज ये चुड़ैल को लेकर यहाँ पिटने के लिए दोबारा आ गई है। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर सनाया परी अपने जादुई सोने के फ्रॉक के घर के अंदर चली जाती है और हवा में उड़ने लगती है। सोनाली परी फ्रॉक के घर के खिड़की के पास आकर बोलती है, अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहती हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तभी चुड़ैल अपनी चोटी को लंबी करके परी को खिड़की से पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। मजा आया ना? सुन परी, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, तू इसका सामना नहीं कर सकती। चल भाग यहाँ से। चलो चुड़ैल रानी, अब इस दोनों जादुई फ्रॉक के घरों को उठाकर पृथ्वी पर लेकर चलते हैं। चुड़ैल दोनों सोने और चांदी के फ्रॉक के घर को जाल से बांध देती है और उन्हें हवा में उड़ाते हुए पृथ्वी के जंगल में ले आती है। दूसरी तरफ सनाया परी अपनी मदद के लिए परीलोक की महारानी रानी परी के पास जाती है और उसे अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है।
रानी परी मेरी मदद कीजिए, आप मेरे जादुई फ्रॉक के घर को वापस परी लोक में ले आइए, नहीं तो वो जादूगरनी और चुड़ैल मिलकर उस जादुई फ्रॉक के घर का गलत इस्तेमाल करके पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे। तुम चिंता मत करो सनाया परी, मैं अभी पृथ्वी पर जाकर उन दोनों की खबर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रानी परी हवा में उड़ते हुए पृथ्वी के जंगल में पहुँच जाती है। आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जादुई फ्रॉक के घर को चुराने की? चलो मैं तुम लोगों को एक मौका दे रही हूँ, तुम लोग सीधी तरह से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगी। तू अपने आप को समझती क्या है परी? तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों को सुनकर हम दोनों घबरा जाएंगे? अरे बेवकूफ परी, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। चलो चुड़ैल रानी, इस परी को भी मजा चखा दो। जादूगरनी की बात सुनकर चुड़ैल परी को रस्सी से बांध देती है। परी, अब चुड़ैल तुझे हमारे साथ शैतानपुर ले जाएगी, जहाँ पर तुम्हें जिंदगी भर हम दोनों की गुलामी करनी पड़ेगी। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे, तो ये लो। इतना बोलते ही रानी परी रस्सी से आजाद हो जाती है और अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल पर हमला कर देती है। रानी परी की जादुई शक्तियों के आगे चुड़ैल नहीं टिक पाती है और वहीं गिरकर ढेर हो जाती है। क्यों जादूगरनी, अब तू बता, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, देख तेरी चुड़ैल रानी जमीन पर मरी पड़ी है, अब बता तू, बता तेरा क्या हाल करूं? तभी जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है। तभी परी जादुई रस्सी से खींचकर जादूगरनी को अपने पास ले आती है। क्यों जादूगरनी, तू मुझसे बचकर कहाँ भाग रही है? तेरा स्वागत करना तो अभी बाकी ही है। और फिर रानी परी उस जादूगरनी का आकार छोटा करके उसे एक बोतल के अंदर कैद कर देती है। अरे नहीं नहीं परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, सबकी सहायता करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बोतल में कैद नहीं होना है, प्लीज। लेकिन परी उसकी एक नहीं सुनती है और उस बोतल का मुंह बंद करके उसे गहरे समंदर में फेंक देती है। उस शैतान जादूगरनी को उसके किए की सजा मिल जाती है और फिर रानी परी उस जादुई फ्रॉक के घर को अपने साथ वापस परीलोक ले जाकर उसे सनाया परी को सौंप देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, मैं जानती थी आप मेरे इस जादुई फ्रॉक के घर को वापस जरूर लाएंगी, आपका दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं सनाया परी, यह तो मेरा फर्ज है, जब भी तुम्हें जीवन में कोई मुसीबतों का सामना करना पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर रानी परी वहां से चली जाती है और सनाया परी खुशी खुशी अपने जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।